पंडरिया सोमनापुर नया पंकज साहू को 10वीं बोर्ड अंडर टॉप प्रदेश में 7वां स्थान रहा। एसडीएम खंड शिक्षा अधिकारी ने सम्मानित किया। पंडरिया सोमनापुर नया हाई स्कूल कक्षा 10वीं का छात्र पंकज कुमार साहू, पिता संतोष साहू, प्रदेश अंडर टॉप में 97.33% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 7वां स्थान रहा। पंकज साहू ने स्कूल ही नहीं पंडरिया ब्लॉक एवं जिले का नाम रोशन किया। पंकज साहू को उत्कृष्ट छात्र के रूप में पंडरिया एसडीएम दिलेराम दाहिरे, पंडरिया विकास खंड शिक्षा अधिकारी जीपी बनर्जी, खंड स्रोत समन्वयक राकेश चंद्रवंशी, सहायक खंड शिक्षा अधिकारी डीजी पात्रा सहित समस्त शिक्षा विभाग प्रमुख अधिकारियों के द्वारा छात्र पंकज साहू को 97.33% अंक अर्जित कर छत्तीसगढ़ में 7वां स्थान प्राप्त करने पर मिठाई खिलाकर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। एसडीएम दिलेराम डाहिरे एवं खंड शिक्षा अधिकारी बनर्जी ने पंकज साहू के स्थानीय शिक्षकों एवं उनके माता पिता को बधाई देते हुए कहा कि निसंदेह जो कड़ी मेहनत करते हैं उनका परिणाम हमेशा उत्कृष्ट रहता है। विकास खंड पंडरिया ब्लॉक के सोमनापुर नया हाई स्कूल के छात्र संतोष कुमार साहू, पंकज कुमार साहू, पिता संतोष साहू ने 10वीं में टॉप 10 में 7वें नंबर पे स्थान रखा है और वो हमारे ब्लॉक को गौरवित किया है, जिला का भी गौरवित किया है। इसके लिए हमने उनको अपने संस्था की ओर से 9000 की राशि से सम्मानित किया है और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना किया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस ब्लॉक के समस्त बच्चे विद्यालय खुलते ही अध्ययन करें और स्कूल विकास खंड जिले का नाम रोशन करें। शिक्षा अधिकारी बनर्जी के द्वारा उत्कृष्ट छात्र पंकज साहू को प्रोत्साहन करते हुए नगद 9000 रुपए देकर पुरस्कृत किया गया। सर, मेरा पूरा नाम पंकज कुमार साहू। अच्छा, कौन से स्कूल में? सर, मैं शासकीय हाई स्कूल सोमनापुर। अच्छा, कौन से विकास खंड में पढ़ता है? सर, ये पंडरिया। वेरी नाइस, है ना। कितना परसेंट आया है? सर, मेरा 97। 10वीं क्लास में? जी सर। अच्छा सर, 97.3। थ्री, गुड, बधाई हुआ, है ना। अच्छा, ये इतना परसेंट कैसे लाया बताओ, कैसे पढ़े तुम? सर, मतलब बहुत जने ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि घंटी को लेकर अपना जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है और जो टॉपिक है, मैं उसको लेकर मैंने परसेंट लिए नहीं पढ़ा सर, मैंने सीखने को पढ़ा। अरे वाह, बहुत सुंदर, है ना। और अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्त यारों को ये आपको संदेश देना चाहोगे? जी सर, मैं उनको बताना चाहूँगा सर कि मतलब परीक्षा के दृष्टि से ना पढ़े, सीखने के दृष्टि से पढ़े। सीखने के दृष्टि से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो परीक्षा अपने आप परिणाम अच्छा आएगा। अरे वाह। अच्छा, आपके विद्यालय में टीचरों के लिए कुछ कहना चाहोगे? जी सर, मैं हमारे स्कूल के सभी टीचर्स से कहना चाहूँगा सर, उन्होंने मतलब सभी टीचर हमें अपने बच्चे के समान मान के सर, और मतलब उनको पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, जाप थोड़ी था गुरु जी? नो सर। अरे अच्छा, पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं? सर, पढ़ लिख कर उसके बाद मैं सर आगे चल करके और उस दिन मैं UPSC की तैयारी करके देश की सेवा करना चाहूँगा सर। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो देश की सेवा में कई विभाग होता है? जी सर। तो कौन सा मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, मेरा मुख्य उद्देश्य है IAS। IAS, चलो बधाई हो, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तुम अपने मंजिल जरूर प्राप्त करो। बेस्ट ऑफ लक पंकज कुमार, थैंक यू। कबीर धाम से PD मणिकपुरी, CG Vision TV।